वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निलीशा और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ दो प्लेन टी शर्ट एंड उन टी शर्ट के साथ में हम करने वाले हैं अपनी कलाकारी। सो अगर चैनल पे नए हैं या मुझे देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री 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 है। सब्सक्राइब के पड़ोस में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे जरूर हिट कर देना। इससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द टी शर्ट, इसी के थ्रू बनाने वाले हैं हॉट नेक ट्यूब टॉप। सो यहाँ जो मैंने टी शर्ट पहन के रखा है ये मुझसे थोड़े से बड़े साइज का टी शर्ट है, तो कोशिश करें जब भी इस तरह का ट्यूब टॉप बनाएं तो अपने से बड़े साइज का टी शर्ट लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे टी शर्ट को राउंड नेक से वी नेक में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नेक में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, लाइक सो। अच्छा लिसन, अभी टॉप के फ्रंट साइड को ही वी नेक में कन्वर्ट करना है, अभी बैक साइड में हमें जाना ही नहीं है, बैक साइड में कुछ भी वर्क नहीं करना है, इवन कटिंग भी हम सिर्फ फ्रंट वाले साइड की करने वाले हैं। बाद में आप जो बैक साइड ऑलरेडी शेप बना हुआ है उसी शेप को फॉलो करते हुए कट कर लेंगे राउंड शेप में। दोनों साइड के नेक प्रॉपर्ली कट हो जाने के बाद में अब हम इसकी स्लीव रिमूव कर लेंगे। पलट के बिछा लेते हैं, बिकॉज अब हमें वर्क करना है टॉप के पीछे वाले साइड पे। सो बैक साइड से नेक का मीड पॉइंट मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। नेक के मीड पॉइंट से 1.5 इंच राइट साइड, 1.5 इंच लेफ्ट साइड एक लाइन मार्क कर देंगे जो कि 7-8 इंच लॉन्ग होगी। अगर आपको मेजरमेंट नहीं लेने हैं तो सिंपली आपको आर्म होल तक लाइन ड्रॉ करनी है। ये दो लाइंस ड्रॉ कर लेने के बाद में अब हम आर्म होल से एक आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक जाएगी। अब हम इसे इसके आर्म होल वाले पार्ट से कट करना स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, हमें सिर्फ टॉप की ऊपर की लेयर कट करनी है, नीचे की लेयर को हाथ भी नहीं लगाना है। सो आप इसे इस तरह से उठा के कट कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बिकॉज केयरफुली कट करना है। ज़रा से में नीचे का अगर हिस्सा कट हो जाएगा टॉप का तो हमारा पूरा टॉप स्पॉइल हो जाएगा, सो केयरफुली करें। से इसे केयरफुली इस तरह से कट कर लेंगे और इसे इस तरह से उठाने के बाद में एक लॉन्ग लेयर आएगी हमारे पास में टॉप की, एज यू कैन सी। अब इन दोनों लेयर्स को हमें इक्वल कर लेना है। इक्वल से मेरा मतलब है ऊपर से जो ये फैब्रिक यहाँ वहाँ भाग रहा है, इधर ज़्यादा इधर कम हो रहा है, इसको बराबर कर लेना है दोनों साइड से। अब जो एक लेयर हमारे पास में और बची है पीछे वाली, उसे भी बीच में से इस तरह से कट कर लेना है। अब हमारे टॉप की आगे और पीछे दोनों साइड की कटिंग को इस तरह से पुल कर लेना है। पुल करने से ये प्रॉपर फिनिश हो जाएगी, स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से इसे पुल कर लें एंड दैट्स इट, हमारा टॉप रेडी है। ओके लिसन लिसन, एक्चुअली मैंने इसे अभी पहन के देखा है, एक्चुअली पीछे की साइड से इसे फिटिंग देने के लिए मैंने लेयर्स कट की थी। सो अभी पहन के देख लेने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऊपर से ही इजीली फिट हो पा रहा है। सो हम इसे कट कर लेंगे। सो सॉरी फॉर दैट, मैंने भी फर्स्ट टाइम इसी टॉप पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया है, दैट्स वाई थोड़ा सा हो जाता है यार, माफ़ कर दो। इसे एज ए ट्यूब टॉप वेयर करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसे इस तरह से एज ए ट्यूब टॉप वेयर कर लेंगे। ये है मेरे टॉप का फ्रंट साइड, सो इस तरह से नॉट बांध लेंगे। ये काफ़ी बड़ा है एज यू कैन सी, सो इस तरह से टॉप में फ्रंट में नॉट बांध लेंगे एंड इसको प्रॉपर फिट कर लेंगे नॉट बांध के। नॉट बांध लेने के बाद में, गैदर्स प्रॉपर सेट कर लेने के बाद में, ये जो लेयर आ रही है मेरे पास में, इसे इस तरह से नेक में होते हुए मैं कवर अप कर लूँगी और पीछे से अपने नेक में नॉट बांध लूँगी। एंड दैट्स इट, हमारा हॉल्टर नेक ट्यूब टॉप कुछ इस तरह का दिखेगा पहनने के बाद में।
आप इसे एज अ ट्यूब टॉप भी वेयर कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आगे एक नॉट बांधनी है और जो फर्स्ट वाले में हम नेक में लेकर गए थे सेकंड वाले नॉट, उसे डायरेक्टली पीछे बांध लेना है एंड दैट्स इट। ट्यूब टॉप वाला लुक रेडी है। सो मैंने इस ट्यूब टॉप को वेयर किया है अपने कैजुअल जैकेट के साथ में, और हाँ ये जैकेट मैंने बनाया है अपने पुराने टी शर्ट के साथ में। सो चलिए DIY नंबर 2 भी देख लेते हैं कि इस तरह का कैजुअल जैकेट किस तरह से क्रिएट करना है। सो दिस इज़ द टी शर्ट जिसके साथ मैंने बनाया है कैजुअल जैकेट। ये टी शर्ट XL साइज़ का है, यानी कि मुझसे काफ़ी बड़े साइज़ का है। सो इस तरह का कैजुअल जैकेट अपने से बड़े साइज़ की टी शर्ट के साथ में बनाए तो ज़्यादा बेटर है। इसे कट करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम इसे इस साइड से कट करते हुए स्लीव्स तक लेके जाएंगे। ओके, स्लीव्स तक कट करने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से भी इसे कट कर देंगे। ये मैं बात कर रही हूँ एक साइड की, कोई भी एक साइड ले लें, लेफ्ट या राइट। इस तरह से पूरा कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करके कट कर लेंगे। इस कॉर्नर से इसे कट करना स्टार्ट करेंगे तो स्लीव्स तक लेके जाएंगे। बट रिमेंबर, इस साइड हमें टी शर्ट का शोल्डर वाला पार्ट कट नहीं करना है, बस साइड से इसे कट कर लेना है स्लीव्स तक। शोल्डर वाला पार्ट एज इट इज रहने वाला है। सो फाइनली कटिंग इज कम्प्लीट। कटिंग होने के बाद में इसे इस तरह से अनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसे फिर से फोल्ड करने वाली प्रोसेस को आपको केयरफुली देखना है, बिकॉज इसको मैं अलग डायरेक्शन में फोल्ड करने वाली हूँ कुछ इस तरह से, जिससे कि ये एक जैकेट फॉर्म में आ जाए लाइक सो। सो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे दोबारा में। सो यू कैन सी ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरी जैकेट की स्लीव्स और ये वाला पार्ट हो जाएगा जैकेट के साइड्स। अब इसे स्टिच करने वाली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टिच करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मार्क कर लेंगे। सो यहाँ मैं इसे स्लीव्स काइंड ऑफ शेप देने के लिए इस तरह से मार्क कर रही हूँ। यहाँ मैं स्टिचिंग करने वाली हूँ। सो स्लीव्स वाले हिस्से को लेते हुए हम जैकेट की साइड में आ जाएंगे। दूसरे वाले साइड पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करके इसे मार्क कर लेना है। बाद में मैं यहाँ थ्रेड एंड निडल यूज़ कर रही हूँ इसको स्टिच करने के लिए। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन या स्टिचिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे ऑल ओवर पूरा इस तरह से स्टिच कर लूँगी दोनों साइड में। साइड स्टिच कर लेने के बाद में जैकेट के फ्रंट वाला साइड भी मैं फिनिश करने वाली हूँ अंदर की साइड फोल्ड करके। अब हम इसे एक बार पहन के देख लेंगे इसका फिटिंग किस तरह का आया है। सो ये मुझे परफेक्ट है पहन लेने के बाद में। अब जो इसके साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे हम कट कर देंगे 1-1 inch का गैप छोड़ के, एंड दैट्स इट, हमारा कैजुअल जैकेट रेडी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।